हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन क्या था, लिख लेता हूँ मैं। इट इज 103 111 104 115 108 113 114 106 116 प्लस 113 108 115 116 106 114 104 111 and 103. So we have to find the value of this addition of this determinant. तो एक तरीका क्या है वैसे, जो बिल्कुल भी हम नहीं, बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे कि हम इसको ओपन करें, इसको ओपन करें और फाइनली वी कैन गेट द वैल्यू। बट दिख रहा है कि जो अंदर डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो नंबर्स रखे हैं, दे आर वेरी बल्कि बहुत बड़े बड़े हैं, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सेकंड चीज़ जो मैंने तुम लोगों को हिंट भी दी थी वाइल गिविंग दिस होमवर्क, कि ये जो नो एंट्रीज है ना, वही ये नो एंट्रीज हैं, बट इनकी पोजिशनिंग अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि सेम बनाने का कोशिश करें। लेट्स फोकस ऑन एनी ऑफ द एलिमेंट। लेट्स मैं 103 पे फोकस कर रहा हूँ, पहला एलिमेंट। ये देखो, ये 103 मेरा इस डिटर्मिनेंट में इस साइड पोजिशनिंग है, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इसको डेल्टा 1 बोल रहा हूँ, इसको डेल्टा 2 बोल रहा हूँ। तो मैं डेल्टा 2 को डेल्टा 1 के फॉर्म में लेके आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सो मेरा अभी डेल्टा 2 एट प्रेजेंट क्या है, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 113 116 104 108 115 106 114 111 एंड 103, ठीक है ना। अब मुझे इस एलिमेंट को देखो कहाँ लाना है, पोजीशन 1 पे लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पहले ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, सो दैट मेरा 103 इधर आ जाएगा। एक बार इधर आ गया, फिर मैं क्या करूँगा, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दूंगा, तो मेरा इधर 103 आ जाएगा। फिर देखते हैं कैसा होता है आगे चल के। तो अभी मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 3। अब मुझे पता है कि अगर मैं दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ तो एक नेगेटिव साइन आता है, तो आई विल पुट हियर नेगेटिव और कॉलम 1 कॉलम 3 इंटरचेंज करके लिख देता हूँ। तो यह आएगा 104, दिस इज 111, दिस इज 103 एंड हेयर इट इज कॉलम 2 एज इट इज 116 106 114 और इधर मेरा आ जाएगा 113 108 एंड 115, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, देखो एक ही एलिमेंट फोकस करना, ज़्यादा इधर उधर फोकस करोगे ज़्यादा एलिमेंट से एक साथ तो कन्फ्यूजन होगा। जस्ट स्ट्रिक्ट टू वन एलिमेंट, जैसे कि मैंने 103 पकड़ा, तुम ऐसा नहीं 103 से किसी कोई और भी एलिमेंट पकड़ सकते थे, वो उसको इधर देखते और जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 108 है, अब इधर है 108, तो इस 108 को मेरे को इधर लेके आना है, ऐसे भी सोच सकते थे। मैंने अभी 103 को पकड़ा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, डेफिनेटली आई विल इंटरचेंज रो 1 एंड रो 3 सो दैट मेरा 103 इधर आ जाएगा पोजिशनिंग 1 पे। तो मेरा मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो R1 R3 को इंटरचेंज करूँगा तो एक नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी था, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो मेरा डेल्टा 2 क्या आ गया, प्लस का, और इन दोनों को इंटरचेंज किया तो इधर आएगा 103, इधर आएगा 114, इधर आएगा 115 और रो 2 मेरा एज इट इज रहेगा 111 106 108 एंड रो 1 मेरा आ जाएगा, रो 3 आ जाएगा 104 116 एंड 113। अब हम देखते हैं डेल्टा 1 हमारा सेम आया क्या। तो देखो ऐसा दो ऑपरेशन करने पे मेरा क्या हो गया, कॉलम 1 तो सेम आ गया। देखो इफ यू लुक इनटू कॉलम 1 ऑफ डेल्टा 2 एंड कॉलम 1 ऑफ डेल्टा 1 सेम आ गया। बस अब क्या करना है हमें, डेल्टा 2 को डेल्टा 1 जैसा दिखने के लिए अब हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देते, तो मेरा एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो अब मैं इंटरचेंज करूँगा कॉलम 2 और कॉलम 3 को, तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आएगा, तो मेरा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा तो कॉलम 1 एज इट इज 103। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ऑपरेशन लिख देता हूँ, इंटरचेंजिंग C2 एंड C3, तो 103 111 104 और ये मेरा हो गया 115 108 113 एंड हियर इट इज 114 106 एंड 116।
Now you can see कि ये मेरा delta 2, delta 1 आ गया, तो finally मुझे इधर से क्या मिला, delta 2 is equal to minus delta 1, तो this implies delta 1 plus delta 2 equals to 0, तो मेरा delta 1 और delta 2 का addition is what, finally we are getting 0, ठीक है ना। तो जस्ट हमने प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। जस्ट इसलिए लिया था मैंने टू सो दैट कि तुम्हें फील आ जाए कि जरूरी हम हमेशा ओपन करके नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज का जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ऑलरेडी हमने ये पार्ट टू ऑफ लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था इस टाइप की चीज, जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। एक काम करते हैं, वैसे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी कि दिस इज अ ऑड ऑर्डर, इसकी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट दिस इज ऑड ऑर्डर। ऑड क्यों, क्योंकि 3x3 है, ऑर्डर इज 3, तो ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि ए आई जे इज माइनस ए जे आई, ये बेसिक डेफिनेशन होती है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव ऑफ ईच अदर होना चाहिए। इसका कॉन्जुगेट ये होता है एंड दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस, माइनस बी बी माइनस सी सी, सो यू कैन सी दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑड ऑर्डर। और हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट और ऑड ऑर्डर का हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आता है, जीरो। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज जीरो। तो एक तो हम वैसे बोल सकते हैं या फिर हम उसका डेरिवेशन जैसे हमने किया था वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डेरिवेशन से बता देता हूँ, एक मिनट, लेट्स से मैं डेल्टा बोल रहा हूँ इसको, ठीक है ना, तो सो दैट हमारा डेरिवेशन भी याद रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो मैंने बोला सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी वन कि रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज और उसमें क्या बोलते हैं डेल्टा विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, तो पहले इधर लिखा था जीरो ए माइनस बी, उसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ जीरो माइनस ए एंड बी। सिमिलरली माइनस ए जीरो माइनस सी, तो इसको कॉलम टू में लिख देता हूँ माइनस ए जीरो माइनस सी एंड लास्टली बी सी जीरो। दिस विल बी माई डेल्टा ओनली। जस्ट मैंने क्या किया, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल रिमेन द सेम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वन रो वन में से कॉमन ले रहा हूँ, माइनस वन रो टू में से कॉमन ले रहा हूँ और माइनस वन रो थ्री में से कॉमन ले रहा हूँ। तो तीन माइनस आएंगे, तो तीन माइनस आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब, और माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे को क्या बचेगा था, जीरो ए माइनस बी, हियर इट विल बी ए जीरो माइनस सी, इट इज माइनस बी सी एंड जीरो। अब देखो ध्यान से, ये तो हमारा डेल्टा ही बन गया, तो इधर से मेरा क्या आया, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब विच इज माइनस वन इंटू डेल्टा, तो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग टू डेल्टा इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा एक तरीके का डेरिवेशन हो गया जो कि हमने कल की क्लास में देखा था, ठीक है ना। तो बाकी हमें इतना करने की जरूरत नहीं, हम उस स्टेटमेंट को याद रखेंगे कि अगर ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी जीरो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन पे, तो पॉज करो इसको कॉपी कर लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वो कैटेगरी का था कि हम कुछ एलिमेंट्स को रोज में मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स को कॉलम में से कॉमन लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज जो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होता है उसमें 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों टर्म प्रेजेंट होते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, या तो सभी 2 डिग्री हो या सभी 1 डिग्री हो, सो दैट हम जब ऑपरेशन लगाएं तो टर्म्स कैंसिल आउट हो। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसने क्या लिखा था, एक तो कंडीशन दी थी इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऑफ ए डिटर्मिनेंट दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस फाइव एंड हेयर इट इज ए बी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, हेयर इट इज ए सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, हेयर इट इज ए बी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव और इधर मेरा बच्चा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ फाइव, इधर मेरा बच्चा बी सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव and this element is AC into 1 minus cos of phi and this element is BC into 1 minus cos of phi and lastly this is C square plus A square plus B square into cos of phi.
ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बोला कि इधर हमारे कुछ टर्म्स स्क्वायर के हैं, कुछ टर्म्स 1-1 डिग्री के हैं। फॉर एग्जांपल इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर ए इंटू बी है, तो मेरा टारगेट क्या होगा, ये जो लीनियर वाले हैं ए की पावर 1 बी की पावर 1, इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा पहला स्टेप कि मैं रो 1 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं। तो उसके लिए मैं क्या देखूंगा, इधर मेरा क्या लिखा है ए बी, इधर मेरा ए सी लिखा है, ए कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ रो 1 में ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूँ। अब मैं रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स ए से डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट सेम। अब मेरा हो गया ए से मल्टीप्लाई, हियर इट इज ए, दिस इज ए स्क्वायर बी, दिस इज ए स्क्वायर सी। सिमिलरली आई विल मल्टीप्लाई बी विथ कॉलम 2, रो 2, क्यों, क्योंकि इधर देखो इधर ए बी है इधर बी सी है, तो बी इज द कॉमन एलिमेंट। सो मेरा को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी स्क्वायर जनरेट हो जाएगा दोनों जगह, तो आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद बी, तो जो गया ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और ये मेरा पूरा बी से मल्टीप्लाई हो गया। एंड लास्टली यू कैन सी कि इधर ए सी है इधर बी सी है, तो सी इज द कॉमन, सो आई विल टेक आई विल मल्टीप्लाई विद सी इन रो 3। तो सी से डिवाइड किया, इधर हो गया ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड दिस इज सी टाइम्स दिस, गेटिंग इट। अब क्या करेंगे हम, ए बी सी को हमने रोज में भेजा, अब हम उनको कॉलम्स में से कॉमन लेंगे। तो फ्रॉम कॉलम 1 आई विल टेक ए कॉमन, मैं अगर इसी स्टेप में चेंज कर रहा हूँ, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना। तो ये मेरा इधर से ए हट जाएगा, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये ए गया इधर से, ए गया और इधर से ए गया, इतना करने पे मैंने क्या किया ए को भाल लिया कॉलम 1 से। अब मैं क्या करूँगा बी को भाल लूँगा कॉलम 2 से, तो इधर से मेरा बी गया, ठीक है, इधर से मेरा बी गया, ये ब्रैकेट हटा दिया मैंने, एंड लास्टली मेरा इधर से बी गया, ठीक है। एंड फ्रॉम कॉलम, तो इधर बी से मल्टीप्लाई करूंगा, भाग लिया मतलब न्यूमरेटर में लिखा है, एंड लास्टली आई विल टेक सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो इधर से मैं सी हटा देता हूँ, ये सी हटा दिया, इधर से ये सी हटा दिया, एंड लास्टली ये सी हटा दिया, ठीक है ना। तो सी को मैंने इधर से गायब कर दिया और इधर लेके आ गया, तो ये तो नलीफाई हो गया ए बी सी ए बी सी। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि सभी चीज़ें स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, तो दिस इज ईजियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो ऑपरेशंस लगाएंगे, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 टाइप, या रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 टाइप, सो दैट टर्म्स विल गेट कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है देखते हैं। अगर मैं जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसमें मैं ए स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ देखो, अगर मैं रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड करूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस एलिमेंट के अंदर अगर मैं ये दोनों एलिमेंट ऐड करूँ, तो कैन यू सी व्हाट इज कमिंग, मैं इधर लिख लेता हूँ ऑपरेशन पहले, आर 1 गोज टू आर 1 प्लस आर 2 प्लस आर 3। तो देखो आर 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एलिमेंट ए स्क्वायर, इधर से बी स्क्वायर इधर से सी स्क्वायर, तो एक तो ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर से आएगा बी स्क्वायर कॉस 5, इधर से माइनस बी स्क्वायर कॉस 5, इधर से सी स्क्वायर कॉस 5, इधर से माइनस सी स्क्वायर कॉस 5, विच इज 0, तो वी आर गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली हेयर ऑल्सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर से माइनस ए स्क्वायर कॉस 5, इधर से ए स्क्वायर कॉस 5, विच इज गेटिंग कैंसिल। फ्रॉम हेयर इट इज सी स्क्वायर कॉस 5, इधर माइनस सी स्क्वायर कॉस 5, अगेन दैट इज 0, तो यू गेटिंग सेम थिंग। और मुझे एक हिंट और भी लगना चाहिए कि ऑलरेडी उसने ये चीज़ दे रखी है, तो इसका तो यूज़ होगा ही कहीं ना कहीं, तो हमें ऑपरेशन इस टाइप से लगाना है सो दैट हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बने। मैं बोल रहा हूँ दिस कैन बी वन ऑफ लाइन ऑफ थिंकिंग, आई एम नॉट सेइंग इट इज, मतलब ऐसे ही सोचेंगे, मतलब दिस कैन बी वन ऑफ लाइन ऑफ थिंकिंग, ठीक है ना, कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जनरेट करना है यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। सिमिलरली आई एड अप हियर, तो व्हाट आई विल गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड ये कॉमन, ये तो एज इट इज लिख लेते हैं, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, दिस इज सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, एंड हियर इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस 5, इट इज सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, एंड इट इज बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, एंड हियर इट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 5। Now you can see, we'll use this fact a square plus b square plus c square is 1. So अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी कॉलम इसी में चेंज कर रहा हूँ, तुम लोग अगले स्टेप में चाहे लिख लेना। So I'm putting it this way. मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं इधर 1-1-1 लिख देता हूँ। अब हमारा स्टैंडर्ड हो गया ये, मुझे पता है कि अब किसी भी रो या कॉलम में तीनों 1 आ गए, तो फिर तो हम क्या करेंगे, 2 को 0 बनाएंगे फिर ओपन करेंगे। तो मैं क्या लगाऊँगा, इस 1 और इस 1 को 0 बना लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस। तो उसके लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा देखना,
C2 goes to C2 minus C1 और C3 goes to C3 minus C1. मैं इधर ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, तुम लोग अलग से लिख लेना. तो मैं इधर चेंज कर रहा हूँ, C2 को C1 में से घटा रहा हूँ, तो दिस विल बी 0. अच्छा, अब इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो देखते क्या आता है. B square minus B square खत्म हो गया. इधर से आया A square plus C square into cos 5 और -of -B square. तो आई एम चेंजिंग इट हियर, यू विल गेट दिस थिंग A square plus B square plus C square into cos 5. सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, व्हाट यू विल गेट? 0. तो इधर तो मेरा 0 आ गया. अब मैं कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा रहा हूँ, तो 1 minus 1, आई विल गेट हियर 0. B square into 1 minus cos 5, अगेन हियर इट इज 0. एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, व्हाट यू विल गेट? ये सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर से कट कैंसिल हो जाएगा. इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस 5, उधर माइनस ऑफ माइनस सी स्क्वायर कॉस 5 विच इज प्लस. तो इसको ब्रैकेट को इधर आ जाएगा ये. गेटिंग इट? अब क्या करें? अब कुछ नहीं, कॉलम 1 के थ्रू ओपन कर दिया. अच्छा, उससे पहले हम एक चीज़ और करते हैं. इधर भी मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, तो उसको 1 लिख देते हैं. आई एम रिमूविंग इट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम हेयर एंड आई एम राइटिंग सिंपली हेयर 1. सिमिलरली हेयर ऑल्सो आई एम रिमूविंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड आई एम पुटिंग हेयर 1. सो यू कैन सी, अब तो बहुत बच्चों टाइप हो गया. रो 1 के थ्रू ओपन कर दिया, तो 1 into cos square 5. दिस इज माई आंसर. और उसमें क्या बोला था? प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी सी. तो वी आर नॉट गेटिंग ए बी सी इन द फाइनल आंसर, हैंस इट इज प्रूफ कि मेरा ये जो आंसर आया दिस डेल्टा, इसमें इस फॉर्म में तो दिख रहा था उसमें ए बी सी इन्वॉल्व है, बट विद दिस कंडीशन इट इज प्रूफ कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी सी. व्हाट इट? चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. अब हम अपना नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट. एक काम करते हैं, पहले मैंने कल डिफरेंशिएशन रह गया था, तो पहले डिफरेंशिएशन कवर करता हूँ. वो छोटा है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको बाद में देखते हैं. तो लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट. डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वेरी इजी टॉपिक, ठीक है ना. डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है. लेट्स से मेरे को एक डेल्टा दे रखा है. लेट्स से दिस इज F1x, F2x, F3x, G1x, G2x, G3x, दिस H1x, H2x, H3x. लेट्स से मेरे को ये डेल्टा दे रखा है फंक्शन ऑफ x, मतलब ये जितने जैसे F1x लिखा, तो इधर कुछ तो x का एक्सप्रेशन होगा, मतलब फंक्शन ऑफ x होगा. मतलब लेट्स से इधर x लिखा है, इधर x square लिखा है, इधर x square plus 3x लिखा है, इधर 5x लिखा है, इधर 11x cube लिखा है, कुछ भी लिखा है. दिस ऑल दीज 9 आर फंक्शन ऑफ x. अब उसने बोला फाइंड डेल्टा x का डेरिवेटिव, मतलब डेल्टा डैश x डैश, या फिर हम इसको और किस फॉर्म में लिखते हैं, d/dx ऑफ डेल्टा x, बोथ द फॉर्म. डैश मीन्स डेरिवेटिव, ठीक है. तो मान लो एक मिनट के लिए मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता, मुझे पता ही नहीं कि डिफरेंशिएशन है डिटर्मिनेंट्स के अंदर. तो एक कन्वेंशनल अप्रोच क्या होती है, मतलब प्रोसीजरल तरीका क्या होता, मान लो ये टॉपिक नहीं पता, मान लो तुम्हीं से मैंने पूछा क्लास में, तो तुम क्या सोचते हैं? इट मोस्ट प्रोबेबली कि एक काम करते हैं, हम डेल्टा एक्स को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लेट्स से ये कुछ तो एक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा. लेट्स से मैंने लिखा, मान लो इसको सॉल्व करके यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप. मान लिया, आई एम नॉट सेइंग कि ये आएगा, कुछ तो एक्स का पॉलीनोमियल फंक्शन आएगा, नॉट नेसेसरी पॉलीनोमियल. मान लो इधर साइन एक्स वगैरह इन्वॉल्व हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा. अल्टीमेटली दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स. अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एल्जेब्रिक, मतलब कैसा भी हो, फंक्शन ऑफ एक्स. मतलब मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया. हाँ, तुम प्रॉपर्टीज लगा के ओपन कर सकते हो, मतलब माना मतलब तुमने प्रॉपर्टीज लगाई R1 - R2 या C1 - C2 टाइप, और उससे एक दो जीरो बन गए, उसके बाद ओपन कर दिया. अल्टीमेटली मतलब मैंने ओपन किया कैसे भी, या तो प्रॉपर्टीज लगा के या फिर डायरेक्टली ओपन किया. अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे d/dx ऑफ डेल्टा एक्स. तो ये हो जाएगा 2ax + b. तो दिस इज माई आंसर, ठीक है ना. तो अभी तक तो मैंने इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का कुछ यूज़ नहीं किया, अभी तो मैंने सिंपली डिटर्मिनेंट्स को ओपन किया और उसके बाद डिफरेंशिएट किया. बट हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव लिखने वाले हैं वो हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही सीखने वाले हैं, ठीक है. बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 100% करेक्ट है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे.
ठीक है ना. तो क्या करेंगे वो बताता हूँ मैं. तो इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन कॉपी दिस मच पार्ट. दिस इज ऑल्सो 100% करेक्ट कि पहले हमने डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया उसके बाद उसका डेरिवेटिव किया. ठीक है. अब हम करेंगे क्या देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मे बी यू एक पहले बार में देखने में लगेगा कि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट वेन यू सी द प्रॉब्लम्स कि इसके बेसिस पे कैसे बनते हैं तो मज़ा आएगा करने में. अभी क्या होगा कि जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो हमारे तीन डिटर्मिनेंट्स आएंगे. देखना ध्यान से देखना. तीन डिटर्मिनेंट्स मैं लिख रहा हूँ प्लस तीन डिटर्मिनेंट्स. मैंने कहा दिखने में तो ये बल्कि लगेगा बट बहुत ईजी होगा. अभी समझना इसको पूरा ध्यान से. तीन डिटर्मिनेंट्स होंगे. अब क्या करेंगे हम एट ए टाइम सिंगल रो को या सिंगल कॉलम को डिफ्रेंशिएट करेंगे इन ऑल द थ्री. लेट्स से मैं पहले रो के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ. तुम रो की जगह कॉलम भी यूज कर सकते हो. ठीक है ना. हमें वैसे ही पता है कि यूजिंग प्रॉपर्टी वन रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज. तो जो प्रॉपर्टी रोज में लग रही है वो कॉलम में भी लगती है. तो मैंने बोला कि इन तीनों डिटर्मिनेंट में एट ए टाइम सिंगल रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो इधर मेरा क्या आएगा लेट्स से मैं इसमें रो वन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. तो इधर F1 F2 F3 और बाकी दो रो एज इट इज कॉपी करेंगे. तो ये आ जाएगा G1 G2 G3 H1 H2 H3. सिमिलरली अब मैंने इधर रो वन को डिफ्रेंशिएट किया इधर मैं रो टू को करूंगा. तो इधर आ जाएगा G1 G2 G3 और इधर मेरा कॉलम रो थ्री को डिफ्रेंशिएशन. तो H1 H2 और H3 और अभी इन दोनों में वो जिस रो को डिफ्रेंशिएट किया उसके अलावा जो दो रो बचे रो वन एंड रो टू वो एज इट इज कॉपी. तो मैं इसको एक काम करता हूँ अलग कलर से लिख देता हूँ. दिस इज माय F1 F2 F3 और इधर H1 H2 H3 और ये हो गया मेरा. इधर रो वन और रो टू एज इट इज क्योंकि रो थ्री को डिफ्रेंशिएट किया है. तो F1 F2 F3 G1 G2 G3. सो दिस इज वॉट माई d/dx डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एक्स. दिस इज द आंसर. ठीक है ना. तो इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ. चलो हम इसका शॉर्ट नोटेशन और लिख लेते हैं. देखना अगर मैंने मान लो इसको मैं ऐसे इसको बोल रहा हूँ. दिस इज रो वन रो टू रो थ्री. तो मैं इसका शॉर्ट नोटेशन क्या हो जाएगा ये जैसे ये डेल्टा एक्स है तो ये हो जाएगा मेरा R1 R2 और R3 एज इट इज प्लस R1 और R3 एज इट इज R2 का डेरिवेटिव या फिर लास्टली R1 और R2 एज इट इज R3 का डेरिवेटिव. तो ये इसी का शॉर्ट नोटेशन हो गया हमारा. अगर मान लो रो वन रो टू रो थ्री दिए तो क्या बोला इसने कि रो वन को डिफ्रेंशिएट करो बाकी दो रो एज इट इज प्लस नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में रो टू को डिफ्रेंशिएट करो रो वन और रो थ्री एज इट इज और थर्ड डिटर्मिनेंट में रो थ्री को डिफ्रेंशिएट करो रो वन एंड रो टू एज इट इज. ठीक है. तो जो भी मैंने अभी किया इधर सामने जो लिखा है दिस एंड दिस दिस इज माई वो d/dx ऑफ डेल्टा एक्स. दिस इज I have done with respect to rows. मतलब मैं rows को differentiate कर रहा हूँ. You can do with column also. Column also से मेरा मतलब क्या है कि तुम column one को differentiate करो, column two, column three as it is रखो. फिर column two को differentiate करो, column one, column three as it is रखो. या and lastly column three को differentiate करो, column one and column three as it is रखो. तो उसको वो भी लिख लेते हैं हम. ठीक है ना. For timing एक बार लिख लेते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं. तो उससे पहले तुम लोग video pause करो और इतना part copy करो. ठीक है. मैं इसको rub कर रहा हूँ. तो मैंने बोला अभी तो हमने क्या किया रो के रिस्पेक्ट में किया मतलब रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एट अ टाइम सिंगल रो को. अब मैं कॉलम को कर रहा हूँ. तो आई विल राइट देखना ध्यान से कैसे. ये मेरा डेल्टा एक्स डैश. अब मैं कॉलम को कर रहा हूँ. तो कॉलम वन को करूँगा तो F1 G1 and here H1. बाकी दो एज इट इज. तो इधर आएगा F2 G2 H2 F3 G3 H3 प्लस अब मैं कॉलम टू को करूंगा. तो कॉलम टू को करूंगा तो उसको दूसरे कलर से लिख लेता हूं. ये हो जाएगा मेरा F2 G2 H2 और लास्टली मेरा कॉलम थ्री का डेरिवेटिव विच इज F3 G3 and H3 और बाकी एलिमेंट्स में कॉपी कर लेता हूं. तो ये हो जाएगा मेरा F1 G1 H1 F3 G3 H3 एंड हियर इट इज F1 G1 H1 F2 G2 और H2.
ठीक है, तो क्या किया मैंने, एट ए टाइम सिंगल कॉलम को डिफरेंशिएट किया, बाकी कॉलम एज इट इज लिखी। और इसको भी चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वल टू C1, C2, C3। तो मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा देखना, मैंने कॉलम 1 का डिफरेंशिएट किया कॉलम 1 डैश, कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज प्लस, फिर मैंने कॉलम 1 को एज इट इज रखा, कॉलम 2 का डेरिवेटिव कॉलम 3 एज इट इज प्लस, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज कॉलम 3 का डेरिवेटिव। दिस इज व्हाट माय डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव, डेल्टा एक्स डैक्स, या फिर ऐसे लिख लो D/dx ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाला बात है। तो हम डायरेक्टली अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, पॉज कर लो, शॉर्ट नोटेशन भी लिखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि केवल बड़े फॉर्म में लिखा, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया है तो उसको दो तरीके हैं, एक तो क्या है कि हम डायरेक्टली ओपन करके फिर डिफरेंशिएट करें, या फिर विद दिस टॉपिक हम क्या करेंगे, तीन डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट रो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे में रो 2 को, तीसरे में रो 3 को, या फिर कॉलम्स, ठीक है। चलो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, लेट f of x is equal to x square 2x y 7 x cube। चलो एक काम कर दो, दो तीन क्वेश्चन करा देता हूँ इसको मैं, -1 5 10, ठीक है। अब देखने में देखो, और लिख रखा, बोल रखा है कि f डैश 0 क्या होगा, ठीक है ना, F-0 निकालना है। तो देखो अभी हमें, मैंने क्या बोला था कि दिखने में तो ये बल्कि लगेगा कि तीन डिटर्मिनेंट्स हैं, बट जब तुम देखोगे ना एक्चुअल क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो वेरिएबिलिटी है दैट इज ओनली इन द कॉलम 1। इसका मतलब जो हमारे तीन डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं ना, तीन डिटर्मिनेंट्स, उसमें हम सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, रो 2 का डेरिवेटिव लिखते हैं। अब रो 2 तो कांस्टेंट है तो इधर क्या आएगा, 0 0 0। सिमिलरली जो थर्ड डिटर्मिनेंट है उसमें रो 3 का डेरिवेटिव लिखते हैं, अगेन रो 3 इज कॉन्स्टेंट, सो इधर हमारा क्या आएगा, 0 0 0। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट तो खत्म ही हो गए, वी हैव टू जस्ट, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 डिटर्मिनेंट। समझ में आया क्यों इजी हो गया, बिकॉज 2 रोज आर कॉन्स्टेंट। तो चलो कर लेते हैं, अब रो 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो रो 1 को इधर हो गया 2x, 2x का 2, 5 का 0, और बाकी एज इट इज कॉमन, 7 2 3, दिस इज -1 5 10, दिस इज व्हाट माय डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स, मतलब डेल्टा एक्स, ये इसने एफ एक्स बोला है तो दिस इज माय एफ डैश एक्स। अब उसने क्या बोला, एफ डैश 0 निकालो, तो एक्स के 0 पुट कर दो, तो एंगल पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश 0 इट विल कम आउट टू बी 0 2 0 7 2 3 -1 5 10। अब दिख रहा है रो 1 में 2 0 आ गए, तो रो 1 के थ्रू ओपन कर देते हैं हम, तो रो 1 के थ्रू क्या हो जाएगा, -2 इंटू ये गया 7 10 70 प्लस 3 73, तो दिस इज माय आंसर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखो करने में हम इसमें भी कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, फिर हमारे ये दो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होते, उस केस में क्या होता, मान लो चलो एक काम करते हैं इसको कॉलम से भी करते हैं, मैंने कहा कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो तुम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स कॉलम 1 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, और ये 0 0, और ये एज इट इज 2x 2 5 5 3 10, फिर पहला कॉलम पॉप एज इट इज एक्स स्क्वायर 7 -1, कॉलम 2 का डेरिवेटिव 2 0 0, एंड लास्टली कॉलम 3 का डेरिवेटिव 0 0 0 कॉन्स्टेंट होता, तो इसमें तो एक ही डिटरमिनेंट 0 होता, फिर हमको दो डिटरमिनेंट सॉल्व करने पड़ते। इसलिए मैंने क्या देखा कि जो हमारी वेरिएबिलिटी है वो कम्प्लीटली कहाँ है, रो 1 में है ना, तो रो के रिस्पेक्ट में करना आसान, ज़्यादा ईजी रहा, बिकॉज दो डिटर्मिनेंट्स डायरेक्टली 0 हो गए, बट इधर भी सॉल्व करोगे दिस इज परफेक्टली ओके, यू विल गेट द सेम आंसर दैट यू कैन वेरीफाई ऑन योर ओन, ठीक है ना। और एक तरीका, जो वर्स्ट तरीका क्या होगा, कि हम एफ एक्स को निकाल ही लेते, ओपन कर देते हैं इसको, उसके बाद फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर एक्स को 0 डालेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि अभी हम इसको क्या करेंगे, तुम लोगों का टास्क है, वो तुम लोगों का टास्क है, व्हाट, फाइंड एफ एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, फिर x इक्वल टू 0 पुट करो और देखो कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, गेट इट। तो हमने टोटल 3 अप्रोच देखी, क्या क्या, दोबारा एक बार रिकॉल,
पहला हमने देखा ये डिटर्मिनेंट था, ठीक है। तो पहला मेरा ऑब्जर्वेशन क्या क्या है कि वेरिएबिलिटी केवल रो वन में है, तो हम क्या करेंगे रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो रो के रिस्पेक्ट में पहले डिटर्मिनेंट में क्या आता है, रो वन का डेरिवेटिव, रो टू रो थ्री एज इट इज। फिर दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या आता है, रो टू का डेरिवेटिव, सिंस रो टू इज कॉन्स्टेंट तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। सिमिलरली रो थ्री इज कॉन्स्टेंट, रो थ्री का डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट जीरो, ये डिटर्मिनेंट जीरो, बिकॉज एंटायर रो इज जीरो, एंटायर रो इज जीरो। फिर मैंने बोला इसमें, फिर मैंने एफ डैश जीरो निकालना था मुझे, तो एक्स के जीरो पुट किया है, टू एक्स क्या हो गया जीरो। अब देखा इसमें रो वन के थ्रू इवेल्युएट किया तो आई गेटिंग दिस आंसर। मैंने बोला कि कर तो कॉलम के रिस्पेक्ट में सकते थे, कॉलम के रिस्पेक्ट में करते तो हम क्या करते, पहले कॉलम वन का डेरिवेटिव, कॉलम टू कॉलम थ्री एज इट इज, कॉलम टू का डेरिवेटिव कॉलम थ्री। अच्छा मैंने इधर लिखा नहीं क्या, चलो लिख लो इधर, ये फाइव थ्री टेन, तो कॉलम टू का डेरिवेटिव कॉलम वन एंड कॉलम थ्री एज इट इज, और लास्ट वाले में क्या आएगा कॉलम थ्री का डेरिवेटिव, एंड सिंस कॉलम थ्री इज कॉन्स्टेंट तो वो तो जीरो हो गया। तो इधर हमें दो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। अब इसमें क्या करूंगा मैं, एक्स को जीरो डालूंगा फिर ये दो डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा। वैसे देख रहा है कि x को जीरो डालोगे ना तो ये वाला कॉलम जीरो हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्टली जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि x को जीरो डालने वाले हैं, क्योंकि हमें एफ डैश जीरो पूछा है। तो ये अब टू सिंपली कैलकुलेट दिस ओनली, ठीक है ना। और तीसरा जो वर्स्ट तरीका है वो कब, जब मान लो हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता तो हम क्या बोलते हैं कि हम एफ एक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल निकाल लेते हैं, इट विल बी अ पॉलीनोमियल बिकॉज इधर एक्स स्क्वायर एक्स वगैरह इन्वॉल्व है, तो ये क्वाड्रेटिक आता मोस्टली, क्वाड्रेटिक आता उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर एक्स को जीरो पुट करते हैं। बहुत एम्फसाइज कर दिया मैंने इस पर, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करना है इसको। लिखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। पहले लिखो लेट एफ वन एफ टू एफ थ्री आर थ्री क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड जी एक्स इज डिफाइंड एट, जी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से एफ वन एफ टू एफ थ्री, एफ वन डैश एफ टू डैश एफ थ्री डैश, एफ वन डबल डैश एफ टू डबल डैश एफ थ्री डबल डैश। ये उसने जी एक्स को डिफाइन कर रखा है, ऑफकोर्स दीज ऑल एफ वन एफ टू एफ थ्री दे आर ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। और उसने बोला देन फाइंड जी ऑफ टू इफ जी ऑफ थ्री इज इक्वल टू कुछ भी लिख लो इधर, लेट्स से 27, ठीक है ना। तो करो वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो, उससे सोचो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके सोल्यूशन पार्ट पर, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन कि भैया डाटा तो बहुत कम दिया है, देखा जाए इसने जी थ्री निकालने को बोला है और जबकि एफ वन एफ टू एफ थ्री तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है ना, एफ वन एफ टू एफ थ्री तो पता ही नहीं है और मुझे निकालना है जी टू और केवल जी थ्री दिया है उसने। तो एक मतलब दिमाग में एक चीज़ आती है इसको देख के कि यार डाटा तो बहुत कम है, तो मतलब कुछ ट्रिकी टाइप की चीज़ लग रही होगी, ठीक है ना। तो अब मेरी एक लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो सकती है कि देखो इधर फंक्शंस के डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो एक मिनट एक काम करते हैं, हम जी का डेरिवेटिव निकालते हैं, जी का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। तो लेट्स से मैं जी डैश निकाल रहा हूँ, जी डैश एक्स, अगेन अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू रोज, तो तीन डिटर्मिनेंट आएंगे प्लस दिस प्लस दिस, तीन डिटरमिनेंट आ गए। अब डिटरमिनेंट वन में मैं क्या बोल रहा हूं, रो वन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, इधर क्या आएगा f1 का डेरिवेटिव f1 डैश f2 डैश और f3 डैश, इधर आएगा रो टू का डेरिवेटिव और f1 डैश का डेरिवेटिव f1 डबल डैश और इधर f2 डबल डैश इधर f3 डबल डैश एंड लास्ट डिटरमिनेंट में रो थ्री का डेरिवेटिव विच विल बी f1 ट्रिपल डैश F2 ट्रिपल डैश F3 ट्रिपल डैश और बाकी एज इट इज कॉमन, वो कॉमन मतलब कॉपिंग से सेम आएगा। तो इधर मेरा क्या बचा, F1 डैश F2 डैश F3 डैश F1 डबल डैश F2 डबल डैश F3 डबल डैश, इधर बनेगा F1 F2 F3, इधर F1 डबल डैश F2 डबल डैश F3 डबल डैश एंड लास्ट व्हाट आई विल गेट, F1, F2, F3, F1 dash, F2 dash, F3 dash, ठीक है। दिस इज वॉट माई जी एक्स का डेरिवेटिव।
अब देखा जाए क्या करें, अब देखो ध्यान से देखो, जो मेरा पहला डिटरमिनेंट लिखा है ना, इसमें रो वन एंड रो टू आर आइडेंटिकल। और मुझे पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो, तो ये मेरा जीरो हो गया। सेकेंड डिटरमिनेंट में भी ध्यान से देखो, रो टू एंड रो थ्री आर आइडेंटिकल, सो अगेन आई कैन से कि सिंस रो टू एंड रो थ्री आर आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस विल बी अगेन जीरो। अब आते हैं ये मजेदार चीज, क्या ये डिटरमिनेंट जीरो है? पहले वीडियो पॉज करके खुद से सोचो, क्या वो डिटरमिनेंट जीरो है? अगर है तो क्यों? ठीक है ना, अब मैं उसके सॉल्यूशन पे आता हूँ, दैट विल ऑल्सो बी जीरो। द रीजन इज, अब मेरा ये फैक्ट यूज होगा, अभी तक कहीं नहीं हुआ मेरा ये क्वाड्रेटिक, जो मेरा f1, f2, f3 है वो मेरे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक है। एक मिनट के लिए मैं मान सकता हूँ, इट विल बी ऑफ टाइप, लेट्स से f1 को मैं मान सकता हूँ, इट विल बी ऑफ टाइप ax2 + bx + c, इस टाइप का कोई होगा, abc कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, वी डोंट नो, बट इट विल बी ऑफ टाइप दिस। ठीक है, अब इस टाइप का अगर है तो एक मिनट के लिए, अब मेरा इधर क्या है, f1" f2" f3". अब इसको जब तुम तीन बार डिफरेंशिएट करोगे ना, What you will get? Zero. Quadratic function को अगर मैं तीन बार differentiate करूँगा ना, तो मेरे को क्या मिलेगा? Zero. कैसे? निकाल लेते हैं. Let's say f1 dash क्या होगा? 2ax plus b. फिर f1 double dash कितना होगा? 2a. और finally f1 triple dash क्या होगा? Zero. तो ये भी मेरा zero है. Similarly f2 triple dash भी zero है. और f3 triple dash भी zero है. So in this determinant, third, my entire row 3 is 0, hence this determinant is also 0, very important, ठीक है ना। तो finally क्या मिला मुझे, कि जो g dash x है वो मेरा 0 है। अच्छा, अब याद है कि अगर किसी कोई function है उसका derivative 0 है, उसका conclusion क्या निकलता है, उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि वो फंक्शन कांस्टेंट होगा, जी एक्स विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन, बिकॉज कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो होता है, फिजिक्स में ही पढ़े होगे तुम लोग, तो जी एक्स कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से, अब जी एक्स अगर कांस्टेंट है और उसने बोला कि जी फंक्शन जो है ना उसकी 3 पर वैल्यू 27 है, एंड वी नो इट इज कांस्टेंट फंक्शन, तो मैं एक्स कुछ भी डालूं हमेशा वो 27 ही देगा, तो मेरा g2 क्या हो जाएगा? 27। दिस इंप्लाइज G2 is also equals to 27. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के लिए, ठीक है ना, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, गेटिंग इट। चलो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में इतना काफ़ी है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिमाग वाला थोड़ा, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पहले तो इसको कॉपी करो, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ईजी ऐसा नहीं, टफ है, बट थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो लेट्स पहले इसका थियरी थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले तो टॉपिक लिख लो इधर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। तो लेट्स से वी आर टेकिंग टू डिटर्मिनेंट्स, मैं ले लेता हूँ, लेट्स से a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, और इधर मैं एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, ठीक है। दीज आर माई टू डिटर्मिनेंट्स, अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करके एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इधर पहले तो स्टेटमेंट लिख लो कि टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी मल्टीप्लाइड टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये सेम जरूरी है, सेम ऑर्डर, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, सेम ऑर्डर कैन बी मल्टीप्लाइड रो, अभी इसको मतलब बताऊँ, पहले लिख लो रो वाइज, कॉलम वाइज, रो कॉलम वाइज, एंड लास्टली कॉलम रो वाइज, एंड द रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट
एंड द रिजल्टेंट डिटरमिनेंट विल ऑल्सो बी ऑफ सेम ऑर्डर पहले लिख लो, अभी मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है ना, डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। उसने क्या बोला है सबसे पहले द स्टेटमेंट में कि दो डिटरमिनेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात तो टू डिटरमिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी मल्टीप्लाइड, और जो हमारा रिजल्टेंट डिटरमिनेंट आएगा ना इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दैट विल ऑल्सो बी ऑफ सेम ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल इधर 3x3 है, ये भी 3x3 है, तो जो हमारा रिजल्टेंट डिटरमिनेंट आने वाला है इधर इनको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा रिजल्टेंट डिटरमिनेंट आने वाला है दैट विल ऑल्सो बी ऑफ ऑर्डर 3x3, ऑर्डर सेम रहेगा। और दूसरी बात उसने क्या बोला है कि हम डिटरमिनेंट्स को ना मल्टीप्लाई करेंगे तो चार तरीके हैं, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अभी के लिए रो रो वाइज, कॉलम कॉलम वाइज, रो कॉलम वाइज एंड कॉलम रो वाइज। एक्चुअली मैं इधर इसलिए लिखवा रहा हूँ ये क्योंकि आगे चल के जब हम मैट्रिसेस चैप्टर देखेंगे, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उधर हम केबल और केबल रो कॉलम करते हैं, उधर केबल रो कॉलम वैलिड रहता है, बट फॉर डिटरमिनेंट्स वी हैव फोर ऑप्शंस। मतलब क्या है रो रो, मतलब क्या है इसकी रो उठाई और उस रो को पहले इसकी रो से मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो से, फिर इस रो से, फिर इस रो को, फिर सेकंड रो उठाई, फिर रो से, रो से, रो से। कॉलम कॉलम मतलब क्या हुआ कि हम कॉलम कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका कॉलम वन उठाया, इसके कॉलम टू से, कॉलम वन से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉलम वन को कॉलम टू से, कॉलम वन को कॉलम थ्री से, लाइक दैट। रो कॉलम मतलब क्या हुआ, इसका तो रो उठाया, इसका कॉलम उठाया। सो यू कैन डू विथ एनी वे, फाइनल आंसर यू विल गेट द सेम। दिस देयर आर, वी हैव फोर ऑप्शंस विद अस, फोर चॉइसेस वी हैव फॉर डिटरमिनेंट्स, बट जैसा कि मैंने बोला मैट्राइसिस में केवल केवल रो कॉलम होता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स से मैं पहले रो 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 बता देता हूँ, एक बता दो बता देता हूँ, ठीक है ना, फॉर टाइमिंग। तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। रो रो मतलब इसका भी रो, इसका भी रो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका एक रो उठाया मैंने, अपने हाथ में उठा के रख लिया, क्या है A1, A2, A3। मैं क्या करूँगा इसकी रो को एक एक करके इन तीनों रो से मल्टीप्लाई करूँगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मतलब क्या है A1X1, A2X2, A3X3, दैट विल बी माई सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। क्या बोला, इसका रो वन उठाया, इसके रो वन से मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो इधर मेरा क्या आएगा A1X1, A2X2, A3X3, दिस इज माई एलिमेंट वन प्लस है बीच में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आई लाइड। फिर मैंने क्या किया, अभी इस रो को छोड़ा नहीं, इस रो को मैं पकड़ा रखा, इस रो को मैं पकड़ा रखा, अब मैंने इस रो को इसके रो टू से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा A1Y1, A2Y2, A3Y3, वो आया, क्या आया टर्म A1Y1, A2Y2, A3Y3। अब मेरे पास चॉइस है, मैं उसको इधर लिख सकता हूँ या फिर इधर इसके नीचे लिख सकता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन यू, वॉट एवर यू हैव टू राइट, बिकॉज हमें पता है कि हम रोज और कॉलम्स को तो फाइनली इंटरचेंज कर ही सकते हैं, तो मैं लेट से मैं इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या आएगा मेरा, अभी मैंने इसको पकड़े रखा है A1, A2, A3, मतलब इसकी रो वन को पकड़ के रखा हुआ है, जाने नहीं दे रहा हूँ, और उसकी रो वन को छोड़ दिया, अब रो टू को पकड़ा इसके, तो क्या हो गया A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3। फिर अगेन अब क्या करेंगे, ऑफकोर्स इस रो को भी पकड़ के रखा हुआ है, इस रो को इसके रो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखेंगे, तो क्या आएगा A1Z1 प्लस A2Z2 प्लस A3Z3, दीज आर माई थ्री एलिमेंट्स। अच्छा एक चीज़ और छोटी सी, जैसे अभी जब मैंने इसका रो वन और रो टू मल्टीप्लाई किए थे, तो फिर मैंने बोला था कि आई कैन पुट इट हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, तो मैंने इधर लिख दिया था। अब जब मैंने इसका रो वन को इसके रो थ्री से मल्टीप्लाई किया ना, तो अगर मैंने इसको इधर लिखा है तो फिर जो थर्ड एलिमेंट है ना ये मुझे इधर ही लिखना पड़ेगा, दैट आई कैन नॉट राइट इट हेयर। हाँ इधर कब लिख सकता था, जब मैं इस वाले एलिमेंट को इधर लिखता, इसको लिखते वक्त मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आई कैन राइट इट हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, बट वाइल राइटिंग दिस मैं कंस्ट्रेंट हो गया, क्या क्या मैं इसको वहीं लिखूंगा, या तो रो वन में कब, रो में लिखूंगा कब, अगर इसको मैंने रो में लिखा है, अगर इसको मैंने इधर कॉलम में लिखा होता तो ये वाला जो एलिमेंट है मेरा वो इधर आता, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैंने क्या इसका रो वन उठाया था, इसको तीन काम हो गया, रो वन का काम खत्म, अब इसको उठा के वहीं पटक दिया, अब मैं रो टू उठा रहा हूँ, सेम कहानी, रो टू को आई विल मल्टीप्लाई विथ दीज थ्री एलिमेंट्स एंड आई विल पुट इट हेयर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके आई विल राइट इट हेयर। तो लिख लेते हैं, रो वन को मैं, रो टू को उठाया, इसके रो वन से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा B1X1 प्लस B2X2 प्लस B3X3, फिर इसको पकड़े रखा, इसको नहीं छोड़ा, फिर B1Y1 प्लस
b2y2 plus b3y3, and lastly here it is b1z1 plus b2z2 plus b3z3. अब रो टू का काम खत्म इधर, अब मैं रो थ्री को उठा रहा हूँ. फिर अगेन आई विल मल्टीप्लाई दिस रो थ्री विद इसका रो वन रो टू एंड रो थ्री एंड आई विल पुट इट हियर. तो मेरा क्या आएगा, c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3. फिर अगेन इसका रो थ्री इसका रो टू, तो c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3 एंड लास्टली c1z1 प्लस c2z2 प्लस c3z3. दिस विल बी माई मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट. दिखने में बल्कि लग रहा है बट ईजी होता है ये भी, ठीक है ना. तो अभी मैंने इसको कैसे लिखा, इधर लिख लो. मैंने अभी रो रो वाइज ओपन किया, मतलब रो रो वाइज ओपन नहीं किया, रो रो वाइज मल्टीप्लाई किया. आई कैन डू विथ कॉलम वाइज कॉलम कॉलम ऑल्सो, या फिर रो कॉलम कॉलम रो. तो एक और करके बता देता हूँ, लेट से मैं एक कॉलम कॉलम और कर देता हूँ ये वाला, ठीक है ना. ये तुम अपने से लिख लेना. फाइनल आंसर व्हेन यू ओपन दिस और व्हेन यू विल ओपन आफ्टर मल्टीप्लाइंग कॉलम कॉलम वाइज, आंसर विल रिमेन द सेम फाइनल. दिखने में अलग लगेगा. फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको लिख लेता हूँ. तो इसके लिए मुझे इधर ही क्रिएट करता हूँ स्पेस. पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. मैं इसी के इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मैं मिटा नहीं रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू कंपेयर इट. तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ. अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम कॉलम वाइज कर रहा हूँ, कॉलम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो देखना, अब मैंने क्या बोला, कॉलम कॉलम वाइज करेंगे तो अब क्या करेंगे, कॉलम उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो लेट से इसका कॉलम उठाया मैंने, ये इसके इस कॉलम को इसके कॉलम वन से मल्टीप्लाई किया. तो क्या आएगा, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1z1 प्लस अब अगला एलिमेंट. अब अगेन इसके कॉलम को छोड़ा नहीं मैंने, इसके कॉलम को पकड़े रखा. अब इसका कॉलम को इसके कॉलम वन को इसके कॉलम टू से मल्टीप्लाई किया. तो व्हाट आई विल गेट, a1x2 प्लस b1y2 प्लस c1z2. फिर अगेन इसको छोड़ा नहीं, इसके कॉलम वन को इसके कॉलम थ्री से मल्टीप्लाई किया. तो a1x3 प्लस b1y3 प्लस c1z3. अब इस कॉलम का काम खत्म, इसको वहीं उठा के पटक दिया. अब मैं उठा रहा हूँ कॉलम टू. तो कॉलम टू को उठाऊंगा तो a2x2 इसके कॉलम वन से. तो a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2z1. फिर सिमिलरली इसको पकड़ के रखा तो a2x2 प्लस इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, b2y2 प्लस c2z2 एंड लास्टली हियर इट इज इस कॉलम को इसके कॉलम थ्री से. तो a2x3 प्लस b2y3 प्लस c2z3 और लास्टली थोड़ा सा लिखने में हो सकता है छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना. ध्यान से लिखना, मैं बोलते भी जा रहा हूँ. अब ये कॉलम टू भी खत्म, अब इसका कॉलम थ्री इसके कॉलम बनते. तो a3x1 प्लस b3y1 प्लस c3z1. फिर a3x2 इसका कॉलम थ्री इसके कॉलम टू से. a3x3 b3y2 एंड c3z2 एंड लास्टली a3x3 इसका कॉलम थ्री इसके कॉलम थ्री से. a3x3 प्लस b3y3 प्लस c3z3. तो मैंने क्या बोला कि इसको तो मैंने कॉलम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया, इधर रो रो कॉलम. अब दिखने में तो ये अलग अलग लग रहे हैं, दिखने में आई एम सेइंग ओनली दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, बट इसका और इसका जो फाइनल आंसर होगा ना, व्हेन यू ओपन द डिटरमिनेंट दैट विल कम आउट टू बी सेम 100%, ठीक है ना. ऑल्दो भी तुम्हें लग रहा होगा सर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो अलग अलग है, आंसर सेम कैसे आ सकता, आंसर आएगा सेम, बस दिखने में ही ये अलग लग रहा है, ठीक है ना. तो तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है. तो मैंने तुम्हें रो रो बता दिया, कॉलम कॉलम बता दिया. अब रो कॉलम कॉलम रो तुम अपने से कर लेना, कुछ नहीं. जैसे मान लो मुझे अब रो कॉलम करना है, चलो एक एलिमेंट लिख लेता हूँ रो कॉलम का, रो वाइज कॉलम रो कॉलम का मैं केवल एक एलिमेंट लिख रहा हूँ. तो इसका तो रो उठाऊंगा, इधर से हटा देता हूँ, इसका रो उठाऊंगा और इसका कॉलम उठाऊंगा, ठीक है ना. इसका रो उठाया इसका कॉलम, तो a1x1 प्लस a2y1 प्लस a3z1. फिर एक एलिमेंट इधर आ गया, इधर आएगा सिमिलरली. फिर रो वन को उठा इधर पटके रह दूंगा, फिर रो टू को उठाऊंगा, फिर उसको c1 c2 c3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इधर तीन एलिमेंट्स लिखूंगा. फिर मैं इसका रो थ्री उठाऊंगा, फिर c1 c2 c3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक दो तीन एलिमेंट इधर आ जाएंगे, ठीक है ना. तो यू कैन डू एनी वे, वो डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन कैसा है, ठीक है ना. तो हम क्वेश्चन अभी देखो, अभी मुझे पता है कुछ कुछ बच्चों को अभी उतनी क्लैरिटी नहीं आई होगी मे बी,
बट अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आ जाएगी, ठीक है ना। बाकी इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक चीज, बोर्ड लेवल की चीज़ है। अब कोई बोलेगा सर अभी तो आप बोल रहे थे कि वो बहुत टफ है और अभी आप बोल रहे हो बोर्ड लेवल की चीज़ है। बोर्ड लेवल की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जेई में कभी नहीं पूछेगा कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्यों ऐसा क्यों नहीं, फिर सर आपने क्यों बताया मल्टीप्लीकेशन, क्यों टाइम वेस्ट किया। एक्चुअली वो पूछेगा क्या पता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, वो क्या पूछेगा कि वो हमें ये देगा और वो बोलेगा कि ये डिटर्मिनेंट किन दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है। मतलब समझ रहे हो चीज को, मैंने तुम्हें पहले क्या बताया सीधी साइकिल चलाना, लेकिन वो उल्टी साइकिल चलवाएगा तुमसे। वो पूछेगा कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो किन दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है। गेटिंग इट? तो ऑफकोर्स अब मैं तुम्हें डायरेक्टली बताता, उल्टी मतलब कोई चीज़ सिखाते हैं तो हम ऐसा थोड़ी उल्टी साइकिल चलाना पहले सिखाते हैं, पहले हम सीधी सीखते हैं उसके बाद उल्टा सीखते हैं ना, टफ चीज़ बाद में सीखेंगे पहले बेसिक चीज़ सीखेंगे। तो इसलिए पहले मैंने तुम्हें मल्टीप्लीकेशन सिखाया, बट मैंने क्या बोला एग्जाम में क्या बोलेगा वो ये डिटर्मिनेंट देने वाला है तुमको। अब इधर दिमाग का काम है, वो तो बहुत बच्चों वाली चीज़ हुई जो मैंने अभी इससे पहले बताई ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वो तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई, वो तो सिंपल प्रोसीजर है भाई, इन दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करो। वो नहीं पूछेगा कभी, इवन बोर्ड में भी शायद नहीं पूछेगा, बोर्ड में भी देगा तो यही देगा कि ये वाला डिटर्मिनेंट देगा और फिर वो बोलेगा कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो किन दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है, उसमें हमारा दिमाग खर्च होगा मेन, ठीक है। तो उसको समझते हैं हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, बीच वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, पहले तुम लोग कॉपी कर लोगे, ठीक है। टू क्रिएट अ स्पेस आई एम मल्टी रबिंग दिस। चलो हाँ, तो जैसे कि मैंने क्या बोला, वो एग्जाम में क्या बोलने वाला है, वो ये देगा और हमें पूछेगा कि भाई ये किन दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो मैंने बोला इधर हमारा दिमाग ज़्यादा खर्च होगा एज कम्पेयर टू सिंपली मल्टीप्लाइंग द डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे कोई क्वेश्चन आता है मान लो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में, तो सबसे बड़ी हिंट कैसे लगेगी, मतलब सबसे हमें कैसे क्लिक करेगा कि ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। उसके लिए सबसे बड़ी हिंट क्या है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट्स होगा ना उसमें तीन टर्म्स होंगे, एक दो तीन, हर एक एलिमेंट में तीन या दो होंगे, मैं पहले तीन का बता रहा हूँ, तीन टर्म्स होंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जर्व करनी है, हम ये देखेंगे कि रो वन, रो या कॉलम किसी कोई भी एक चीज़ पकड़ो, लेट्स से रो वन को पकड़ रहा हूँ मैं देखूंगा कि रो वन में क्या चीज़ कांस्टेंट है, क्या चीज़ कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, मैंने देखा कि रो वन में ए वन ए टू ए थ्री आ रहा है, इधर भी ए वन ए टू ए थ्री आ रहा है, ए वन ए टू ए थ्री आ रहा है, दोबारा इधर भी ए वन ए टू ए थ्री आ रहा है, इधर भी ए वन ए टू ए थ्री आ रहा है, इधर भी ए वन ए टू ए थ्री आ रहा है। इसका मतलब मेरे जो दो डिटर्मिनेंट्स हैं ना उनमें से इन वन ऑफ द डिटर्मिनेंट इधर वन रो और वन कॉलम इज ए वन ए टू ए थ्री, दैट यू कैन सी हियर ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा दिमाग खर्च होगा। दोबारा एक बार मैंने बोला, मैंने रो वन उठाया, फिर मैं क्या देख रहा हूँ उसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। देखो ये तो वेरी कर रही है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री, जेड वन जेड टू जेड थ्री, कांस्टेंट क्या है, ए वन ए टू ए थ्री इधर भी है, ए वन ए टू ए थ्री इधर भी है, ए वन ए टू ए थ्री इधर भी है। तो मेरा क्या इससे निष्कर्ष निकला कि इन ये जो डिटर्मिनेंट जिन दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है ना उन दो डिटर्मिनेंट्स में से एक डिटर्मिनेंट का एक रो या फिर एक कॉलम बोल लो, कोई भी चीज़ बोल लो, रो कॉलम को तो इंटरचेंज कर सकते हैं, उसका एंटायर रो ए वन ए टू ए थ्री होगा, ठीक है। तो फिर क्या ये वन ए टू ए थ्री आ गया। अब कोई बोलेगा सर रो में देखा कॉलम में भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो नाउ इफ यू विल सी विद कॉलम यू कैन सी कि कांस्टेंट क्या है, इधर भी x1 x2 x3 है, इधर भी x1 x2 x3, इधर भी x1 x2 x3 है। तो इससे फिर हम क्या बोलेंगे कि भैया जो हमारा दो डिटर्मिनेंट्स है ना उसमें से वन ऑफ द डिटर्मिनेंट का एंटायर रो या एंटायर कॉलम मेरा x1 x2 x3 है, दैट्स इट। तो हमारा x1 x2 x3 पता चल जाएगा। तो अभी मैंने बोला कि थोड़ी क्लियरिटी और आएगी जब मैं इसके एग्जाम्पल लूंगा एक्जैक्टली, तब बहुत क्लियरिटी आएगी, डोंट वरी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा बच्चों को लग रहा होगा कि सर उतना क्लियरिटी नहीं है, बट ट्रस्ट मी इसी के जैसे ही एग्जाम्पल लूंगा ना 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, हम पहचानेंगे कैसे कि कोई क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का है। तो सबसे बिगेस्ट हिंट क्या है कि जो हर एक एलिमेंट होगा ना उसमें तीन तीन टर्म्स होंगे, उसमें तीन तीन टर्म्स होंगे, सबसे बिगेस्ट हिंट। दूसरी चीज, एक और कैटेगरी का क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि वो दो दो की जगह तीन तीन की जगह दो दो टर्म्स देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें रब कर रहा हूँ,
वो इंस्टेड ऑफ थ्री टर्म्स ही विल गिव टू टू टर्म्स. इसका मतलब हम क्या कंक्लूड करेंगे, इसका मतलब हम अलग से ऐड कर लेंगे, इधर जीरो इंटू समथिंग लिखा है प्लस जीरो इंटू समथिंग लिखा है, इधर भी जीरो इंटू समथिंग लिखा है, तो हमने तीन टर्म्स बना लिए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a1 a2 0 दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द रो इन एनी वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. ठीक है ना? तो कहने का मतलब अभी तक जो मेरा कंक्लूजन निकला कि मैं कैसे पहचानूंगा कि या तो वो तीन एलिमेंट्स देगा, हर एक एलिमेंट क्या होगा, तीन एलिमेंट्स का एडिशन, या फिर दो टर्म्स देगा. तो उस बल्किनेस से हमको समझ में आएगा कि नहीं भाई, हमें इसको दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है. और एलिमेंट्स कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि भाई रो वन में क्या चीज़ कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल इधर a1 a2 0 a1 a2 0 a1 a2 0, इसका मतलब मेरा a3 इज जीरो. गेट इट? और जैसे कि मैंने बोला, अभी जैसे ही मैं एग्जांपल लूंगा ना तो बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी बिल्कुल. और अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर एडवांस. ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द एग्जांपल. ठीक है, चलो a माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो इसको एग्जांपल को, a माइनस वाई का स्क्वायर. पहले इसको खुद से ट्राई करना, चांसेस कम है सॉल्व होने के, बट फिर भी एक बार मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन बनते चले जाएंगे. ठीक है, सो वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. तो एक तरीका तो क्या है कि तुम जो हमने पहले प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी हैं उन सब का यूज़ करो, जीरो बनाने की कोशिश करो और फिर ओपन करो, तो यू विल गेट दिस थिंग. बट अभी हमने क्या, जैसे कि हम टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो मुझे पहचानना है कि भाई ये जो डिटर्मिनेंट है वो किन दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है. ठीक है, तो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं. तो अब कोई बोलेगा कि सर अभी तो आपने जब स्टार्ट किया था अभी जैसे, तो आपने बोला था कि भैया जो डिटर्मिनेंट दिया होगा उसमें पहला टर्म में तीन टर्म होंगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, फिर इधर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, लाइक दैट वे. बट इधर तो सर एक ही दी है, एक दी है बट ये इससे एक स्टेप अहेड है, पहले इसको ओपन तो करो. व्हेन यू ओपन दिस यू गेट थ्री टर्म्स ना, ए माइनस एक्स स्क्वायर से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो तीन टर्म आ गए ना. तो पहले ओपन करो, उसके बाद पहचानेंगे हम कि भाई वो डिटर्मिनेंट किन दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है. ठीक है, तो पहले मैं ओपन करके लिख रहा हूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू ए जेड, तो अगेन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई, बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू बी जेड, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स, सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी वाई, एंड सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू सी जेड. एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से करो एक बार. ठीक है ना, अब हम मैं इसको बता रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने जैसे कि बोला, मैंने रो वन पकड़ा, फिर मैं क्या देख रहा हूँ, रो वन में क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है. सो अब मेरे को दिख रहा है कि रो वन में ए स्क्वायर वन, अच्छा एक चीज़ और, जैसे इधर से भी हिंट लग रही है वैसे हमें, ए बी सी एक साथ है, एक्स वाई जेड एक साथ है, मतलब ऐसा इधर कोई टर्म नहीं है ए एक्स ए माइनस एक्स या फिर बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स, मतलब ए बी सी वाले टाइप एक साथ है और एक्स वाई जेड वाले एक साथ है. तो उसके पॉइंट को भी हमने दिमाग में रखते हुए मैंने बोला कि रो वन में क्या कॉन्स्टेंट है, तो देखना ध्यान से, ए स्क्वायर वन माइनस टू ए, ए स्क्वायर वन माइनस टू ए, ए स्क्वायर वन माइनस टू ए, इसका मतलब एक डिटर्मिनेंट क्या होगा उसमें, ऐसा तो होगा ही, ए स्क्वायर वन माइनस टू ए. गेट इट? अब मैंने बोला मल्टीप्लाइड बाय, अब मैंने बोला कि इसका रो, लेट्स से मैं कुछ भी कर लो, रो कॉलम कर लो या रो रो वाइज कर लो, जैसे तुम्हें करना है, तो लेट्स से मैं रो रो वाइज कर रहा हूँ. तो मैंने कहा ए स्क्वायर इंटू समथिंग शुड बी ए स्क्वायर, तो उधर क्या होना चाहिए, वन. मैंने कहा एक्स वन इंटू समथिंग
दैट हैज टू बी एक्स स्क्वायर, तो वन इंटू क्या हो एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर. फिर मैंने बोला माइनस टू ए इंटू समथिंग इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स, मतलब समथिंग क्या होना चाहिए एक्स, तो भैया आ गया हमारा ये देखो समझ में आया कैसे मैंने लिखा. पहले मैंने देखा रो वन में क्या कॉन्स्टेंट है, तो ए स्क्वायर वन माइनस टू ए. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब मैंने क्या बोला इसको पकड़ के रखा, अब हम क्या करते हैं इस रो को इसके रो से सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे सेकेंड एलिमेंट ये दिया है तो ए स्क्वायर इंटू वन, तो अगेन ए स्क्वायर इंटू वन, वाई स्क्वायर आ रहा है तो वन इंटू वाई स्क्वायर, माइनस टू ए वाई तो माइनस टू ए इंटू वाई, दैट्स इट. लास्टली ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू ए जेड, तो ए स्क्वायर कैसे आएगा जब ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो वन से, जेड स्क्वायर किस वन किससे हो कि जेड स्क्वायर आ जाए जेड स्क्वायर से, और माइनस टू ए जेड आ जाए माइनस टू ए किससे मल्टीप्लाई हो जेड से. देखो हमारा एक डिटरमिनेंट तो पूरा बन गया, ठीक है. अब इसका सो रो टू लिखते हैं. अब मैंने देखा इधर क्या कॉन्स्टेंट है बी स्क्वायर वन माइनस टू बी, तो इधर लिख दिया बी स्क्वायर वन माइनस टू बी. अब हम सी दैट, हाँ एक चीज़ और, अब मैं कॉलम थ्री पे जंप नहीं करूँगा अभी, सॉरी रो थ्री पे, पहले मैं वेरीफाई करूँगा बी स्क्वायर वन माइनस टू बी जो मैंने लिखा वो इनसे मल्टीप्लाई होके क्या हमें ये तीनों टर्म्स मिल रहे हैं, एक दो तीन, वेरीफाई करेंगे उसके बाद अगला लिखेंगे. तो लेट्स वेरीफाई दिस. तो बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर, वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स, तो ये आ गया. फिर बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई. बी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू बी जेड, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू बी जेड, परफेक्टली ओके. और लास्टली अब लिख लेते हैं इसमें क्या कॉन्स्टेंट दिख रहा है, सी स्क्वायर वन माइनस टू सी, तो सी स्क्वायर वन माइनस टू सी, ठीक है. तो लिख तो लिया मैंने बट आई हैव टू वेरीफाई इट. मैं इस रो थ्री को इसके रो वन रो टू रो थ्री से मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा कि मेरा ये आ रहा है या नहीं आ रहा. तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स, फिर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू सी वाई, एंड लास्टली सी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू सी जेड. खत्म क्वेश्चन. अब क्या हुआ ना, बहुत अच्छी बात, एक और क्या हो गई, ये दो डिटरमिनेंट्स जो आए ना वो भी हमारे स्टैंडर्ड आ गए. याद है मैंने तुम्हें बताया था जो कुछ डिटरमिनेंट मेमोराइज करने थे, तो वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये उसी फॉर्म में लिखे हैं. देखो ध्यान से, बस मुझे क्या करना है इन दोनों में एक कॉलम और वो इंटरचेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा वन 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 एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इधर मेरा क्या आएगा, अच्छा मैं एक माइनस साइन आएगा, मैंने कॉलम टू और कॉलम थ्री को इंटरचेंज किया और मैं इधर से माइनस टू कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस टू और माइनस वन टू बना देगा, इधर बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन 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 ए बी सी, और बस अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, फिर एक माइनस आएगा, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, फिर एक माइनस आएगा, तो फिर हम ये लिख देंगे उसको यूजिंग स्टैंडर्ड, ठीक है. तो एक ये अच्छा क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हुआ होगा. तो एग्जांपल और देख लेते हैं हम, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है. दो चार क्वेश्चन करोगे ना तो फील आ जाएगी, उतना हार्ड भी नहीं है टॉपिक, ठीक है ना. कंपेरेटिवली बोलूँगा बट वैसे हार्ड नहीं बोलूँगा, रिलेटिवली एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस टॉपिक्स है उनसे थोड़ा दिमाग ज़्यादा खर्च होगा. चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन जो था हमने ऑलरेडी किया था विथ बेसिक प्रॉपर्टीज, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से देखते हैं, और मैंने उस टाइम बोला भी था तुम लोगों को कि ये सेम क्वेश्चन वी विल सी विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स. तो इधर b प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी क्यू प्लस आर आर प्लस पी पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड z plus x and this is x plus y. This is equal to twice of a b c p q r x y z. So you have to show that this is equal to this. तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो. अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है. तो देखते कैसे करें. अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, एक में तो क्या होगा हर एक टर्म तीन तीन का एडिशन होगा और एक में दो होंगी. तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दो दो टर्म दिख रही हैं, दो दो मतलब हर एक टर्म दो दो का एडिशन है
तो हम क्या बोलेंगे, तीसरा टर्म है तो सही, वो दिख नहीं रहा, तो दिखाने के लिए हम क्या लिख लेते हैं उसको, जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग अगेन प्लस जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग, सिमिलरली हियर ऑल्सो प्लस जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग एंड हियर ऑल्सो प्लस जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग, तो तीन तीन टर्म देख रहे हैं। चलो अब देखते हैं, अब देखो दूसरी हिंट कहां से लगेगी जो हमें प्रूफ करना है, इधर से कैसे लगेगी देखना। अब मैंने कहा पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट। अब मुझे दिख रहा है कि इधर एबीसी वगैरह इन्वॉल्व है, मतलब ए बी सी, तो मैंने क्या किया इधर एबीसी लिख लिया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, समझ में आएगा। फिर मैंने बोला मुझे क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, तो मैंने बोला कि इसका एक रो इसके एक रो से मल्टीप्लाई होगा, मुझे बी प्लस सी चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, तो ए किससे मल्टीप्लाई होता है, इधर से इससे, तो इसको जीरो लिख लिया, तो मुझे बी प्लस सी चाहिए, तो मैंने इसको वन वन कर दिया। मतलब अब इस रो को और इस रो को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी प्लस सी, तो ये टर्म तो एडजस्ट हो गया। अब आते इस रो को मैं इस रो इसके रो टू से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ए प्लस सी चाहिए, तो ए और सी चाहिए, बी नहीं चाहिए ना बीच वाला, तो इधर जीरो, ये चाहिए वन वन। लास्टली इसका रो इसके रो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी चाहिए, तो ए और बी चाहिए, तो ये दोनों तो वन वन, और सी नहीं चाहिए तो सी जीरो से मल्टीप्लाई होगा। इतना करने पे मेरी रो वन तो आ गई। अब आते हैं रो टू पे। अब रो टू भी तुम बहुत आसानी से लिख, अब दिख सकता है कि नेक्स्ट वाले एलिमेंट में पी क्यू आर है, तो मैंने एक मिनट के लिए इधर पी क्यू आर लिख दिया। अब मैं आगे जंप नहीं करूँगा, पहले मैं वेरीफाई करूँगा ये टर्म एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पी इंटू जीरो जीरो क्यू आर, तो क्यू प्लस आर, वन जीरो मतलब पी और आर, पी और आर, पी क्यू वन वन पी क्यू, तो मतलब परफेक्ट लिखा है यहाँ तक। और ऑफ कोर्स अब उसके बाद तो आ ही जाएगा एक्स वाई जेड, तो ये एक्स ये एक्स वाई जेड ये जीरो वन वन से मल्टीप्लाई होंगे, तो वाई प्लस जेड वन वन, तो मतलब एक्स और जेड आना चाहिए, तो एक्स और जेड ये वन वन, एक्स और वाई आना चाहिए एक्स और वाई, तो हेंस दिस इज। अब ये डिटरमिनेंट क्या लिखा है इसको तुम्हें वैल्यूएट कर लो, एक काम करो एक जीरो और बना लो, तो मैं इसमें कॉलम टू माइनस कॉलम वन कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू कर रहा हूँ, तो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन। अब इसको इसके थ्रू ओपन कर दिया, तो ये गया तो माइनस वन इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस टू, तो टू टाइम्स दिस हेंस टू, तो सोचो कितना आसान हो गया, ठीक है ना। इसको वैसे हमने उधर कैसे किया था, उधर हमने क्या किया था, कॉलम वन में कॉलम टू और कॉलम थ्री ऐड कर दिए थे, तो इधर क्या आ गया था ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इधर ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, इधर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और फिर टू कॉमन लेके फिर हमारा इधर ए प्लस बी प्लस सी आ गया, उसको इसमें से घटा दिया, तो इधर माइनस भी आ जाएगा, इसको इसमें से घटा दिया इधर माइनस सी आ जाएगा, फिर इधर ए प्लस बी प्लस सी दिया है, इधर माइनस बी दिया है, इधर माइनस सी दिया है, फिर इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इधर भी ए बचेगा केवल, फिर इन इसमें से और इसमें से माइनस माइनस कॉमन ले लिया। देख लेना प्रीवियस वीडियो में है वो हमारे, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन विद सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क पे देता हूँ, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं, ठीक है। सो कॉपी करो होमवर्क क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन से है किससे है क्या है, ठीक है ना, यू हैव टू थिंक इट। cos of a minus b, cos of b minus b, cos of c minus b, and don't take help from any of the book. नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, बट कहीं से हेल्प लेके नहीं करना है, ठीक है ना, खुद से सोचना है। You have to find the value of this determinant, ठीक है ना। So this will be your homework question, single question. तो आज के लिए इतना है, फिर अपन कब मिलते हैं, okay? Thank you.